Good morning, classmates. Once again, we are starting our online classes. And in previous time, we have started chapter number 13, play with water. ये chapter हमारा start हो गया था. और इस chapter में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास different things होती हैं. इन things में से कुछ चीजें होती हैं जो soluble होती हैं and कुछ चीजें होती हैं जो insoluble होती हैं. Soluble things क्या होती हैं? The things which dissolve in water. जो चीजें पानी में easily घुल जाती हैं, like salt, sugar. Salt और sugar को अगर आप पानी में डालेंगे और stir करेंगे, थोड़ा सा mix करेंगे, तो वो जो salt और sugar है, वो आपको थोड़ी देर बाद दिखाई नहीं देगा. वो कहाँ चला गया? वो जो glass के अंदर water है, उसमें dissolve हो गया, उसमें mix हो गया. तो इस तरह की जो चीजें होती हैं जो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं, दे आर कॉल्ड सॉल्युबल थिंग्स. ठीक है. और सम थिंग्स ऐसी होती है विच कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जैसे कि चॉक, चॉक पाउडर है, पेन है, आपके आसपास में जो स्टोन के छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, या सैंड है. सैंड मीन्स रेत बची, उसको अगर हम पानी में वाटर में आप डालेंगे ग्लास में और मिक्स करेंगे, तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, पानी में मिलेगा नहीं, गीलेगा नहीं. तो इस तरह की जो चीजें होती है, दे आर कॉल्ड इनसॉल्युबल थिंग्स. समझ में आ गया आपको सॉल्युबल और इनसॉल्युबल थिंग्स? ये दोनों हम टॉपिक प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे. दूसरी बात आती है सॉल्युबल इनसॉल्युबल थिंग्स में, कि जो सॉल्युबल थिंग्स है जैसे शुगर या सॉल्ट, जो पानी में इजीली घुल जाती है, अगर ये सॉल्युबल थिंग्स जो है, इनको अगर हम हॉट वाटर या हॉट ऑब्जेक्ट में, गर्म दूध में या गर्म पानी में मिक्स करेंगे, तो ये जल्दी उसके अंदर मिक्स हो जाएंगे. अगर आप दो ग्लास लीजिए, एक ग्लास में आप कोल्ड वाटर लीजिए और एक ग्लास में आप हॉट वाटर लीजिए, दोनों में एक एक स्पून आप शुगर का डालिए और उसको स्टीयर कीजिए, घुमाइए, तो आप देखेंगे कि जो हॉट वाटर है उसको उसमें शुगर को मिक्स होने में कम टाइम लगता है, जल्दी मिक्स हो जाता है शुगर. और जो कोल्ड वाटर है उसके अंदर शुगर को घुलने में, मिक्स होने में, डिजॉल्व होने में ज़्यादा टाइम लगता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो गर्म पानी का ग्लास है, ठीक है, उसके अंदर जो गर्म पानी है, हॉट वाटर है, उस हॉट वाटर के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है. समझना आ गया? हॉट वाटर में क्या होता है? एनर्जी ज़्यादा होती है. और जिस वाटर में एनर्जी ज़्यादा होती है, उसके जो हॉट वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जिनसे मिलकर के ये हॉट वाटर बना है, मॉलिक्यूल्स मीन्स जिनसे मिलकर के ये वाटर बना है, उसके हॉट वाटर होने के कारण और एनर्जी हॉट वाटर की ज़्यादा होने के कारण जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो फास्टली मूव करते हैं, जल्दी जल्दी मूव करते हैं गर्म होने के कारण. समझ में आया? वंस अगेन रिपीट करती हूँ, जो हॉट वाटर है, गर्म पानी है, इसके अंदर जो एनर्जी है वो क्या है? ज्यादा है. ठीक है, हॉट वाटर की एनर्जी ज्यादा है. एनर्जी ज्यादा होने से क्या होता है? इनके जो मॉलिक्यूल्स है, हॉट वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, वो मूव फास्ट यानी तेज तेज चलते हैं. उसके कारण जब इसमें शुगर ऐड की जाती है हॉट वाटर में, या सॉल्ट ऐड किया जाता है, या जो भी सॉल्युबल थिंग्स ऐड की जाती है हॉट वाटर में, तो वो जल्दी से उसमें डिसॉल्व हो जाती है. और जो कोल्ड वाटर है, ठीक है, कोल्ड वाटर की एनर्जी कम होती है, उसमें कम एनर्जी होती है, इसलिए उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोल्ड वाटर के, वो स्लो मूव करते हैं, इसीलिए उसमें सॉल्युबल थिंग्स स्लो यानी कि धीरे डिसॉल्व होती हैं. समझ में आ गया आपको दोनों टॉपिक अच्छे से? अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर एंड थिंग्स ड्रॉन इन वाटर. ना आपको समझ में आया? थिंग्स यानी वो चीजें जो फ्लोट है, तैरती हैं, जो पानी में डूबती नहीं है, ऑन वाटर. और थिंग्स ड्रॉन, जो चीजें ड्रॉन यानी डूब जाती है इन वाटर, पानी में, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. आप पानी का एक ग्लास लीजिए, उसमें आप चॉक को डालिए, क्या होगा? चॉक पानी के ऊपर ही रहेगा या नीचे चला जाएगा? वो चॉक पानी के नीचे चला जाएगा, ड्रॉन यानी डूब जाएगा. अब इसी पानी में आप अपने जो पैन है उसका कैप, पैन का कैप जो होता है ढक्कन, उसको डालेंगे, या रिफिल डालेंगे, या छोटी सी लकड़ी का एक टुकड़ा डालेंगे,
ऊपर ही रहेगा, पानी के ऊपर ही तैरता रहेगा, वो डूबेगा नहीं पानी में। तो इस तरह से कई चीजें होती हैं जो पानी पानी में, चाहे पानी ज्यादा हो, चाहे आपके ग्लास में हो, चाहे आप एक बकेट में हो, वो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। और कुछ चीजें होती हैं जो पानी के अंदर डूब जाती हैं। फ्लॉट जो तैरती हैं वो चीजें कौन कौन सी होती हैं, जैसे लीफ पत्तियां जो होती हैं, या पीस ऑफ वुड लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, पैन का कैप, रिफिल जो खाली रिफिल होती है वो, ये चीजें पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। और पानी के अंदर डूबने वाली चीजें कॉइन जो होता है सिक्का, या आपके ऑलपिन, ऑलपिन होती है, चौक, सैंड, ये जो चीजें हैं ये पानी में ड्रॉन यानी डूब जाती हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीजें होती हैं जो पानी में ड्रॉन डूब जाती हैं और कुछ चीजें होती हैं जो पानी के ऊपर फ्लॉट में तैरती रहती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप एक बकेट लीजिए, ठीक है, इसमें पानी हमने फिल किया, ठीक है, इसमें अब हमने एक कॉइन डाला, ठीक है, ये कॉइन डूबेगा नहीं, ये यहाँ पे सिंक हो जाएगा, बॉटम पे इसके डूब जाएगा, मतलब बॉटम पे कलेक्ट किए यहाँ पे जा करके बैठ जाएगा। इसके अलावा इसमें अब हमने एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा डाला, ठीक है, वुड का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा डाला, ये इसमें नहीं तैर रहा, ये ऊपरी फ्लॉट वाला तैर रहा, ऊपरी तैर रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब दोनों चीजें पानी में गई तो ये जो लकड़ी का टुकड़ा है इस जब पानी में जाता है तो इसने कुछ पानी को रिमूव किया स्पेस लेने के लिए, खुद जिस स्पेस पे गया उस स्पेस का उतना पानी इसने रिमूव किया, हटाया, समझा है? तो जो पानी इसने हटाया उसका वेट इस लकड़ी के टुकड़े के वेट से कम था, इसलिए ये तैरने लगा। और जो कॉइन है, कॉइन ने जब पानी में एंटर किया तो इसने जो पानी हटाया, रिमूव किया स्पेस लेने के लिए, उस पानी का वेट ज्यादा था कॉइन से, इसलिए ये पानी में ड्रॉन मींस डूब गया। समझ में आ गया? तो आपके इस चैप्टर में एक सॉल्युबल थिंग्स है, इनसॉल्युबल थिंग्स है, सेकंड आपका थिंग्स फ्लॉट ऑन वाटर पानी में तैरने वाली चीजें, एंड थिंग्स ड्रॉन इन वाटर पानी में डूबने वाली चीजें, ये चार टॉपिक हो गए। और एक टॉपिक और है उनका, मेजरमेंट ऑफ वाटर, मेजरमेंट वाटर नहीं कहेंगे हम, लिक्विड कह देते हैं हम, लिक्विड, मेजरमेंट ऑफ लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड चीजें होती है, लिक्विड चीजें बहुत कौन सी होती है, मिल्क, जूस, लेमोनेड मींस नींबू का जो पानी होता है, नींबू का जूस, इसके अलावा वाटर तो लिक्विड है ही, ऑयल भी लिक्विड होता है, घी ये भी लिक्विड होता है, हॉट डॉग्स हीट देंगे गर्मी देंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, तो पेट्रोल डीजल ये सब चीजें क्या है, लिक्विड चीजें हैं। और सॉलिड चीजें जैसे कि ये बुक, चौक, मेटल, की, कॉइन, ये सब चीजें सॉलिड चीजें हैं। तो इनका जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट मींस नाप, वो किस तरह किया जाता है, लिक्विड चीजें जो होती हैं उनको लीटर, लीटर, मिलीलीटर, जिसको शॉर्ट में हम एमएल कहते हैं, ठीक है, लीटर में यानी कि एल, मिलीलीटर यानी कि एमएल, और अगर ज्यादा हो तो किलोलीटर। अगर जो लिक्विड चीज है कम है, उसकी क्वांटिटी कम है, तो उसको मिलीलीटर में मेजर किया जाता है, जैसे जैसे मेडिसिन दवाई हम खाते हैं, दवाई तो उसको, वो उसकी क्वांटिटी कम होती है, इसलिए उसको मिलीलीटर, उसको एमएल में मेजर किया जाता है, नापा जाता है। समझ आया? जो चीज, जो लिक्विड चीजें कम क्वांटिटी में होती है उनको मिलीलीटर में, ज्यादा चीजों को लीटर में, जैसे कि 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर वाटर, 1 लीटर जूस की बॉटल, जो थोड़े ज्यादा क्वांटिटी में आती है उसको हम लीटर में मेजर करते हैं, और अगर लिक्विड की जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा है तो उसको किलोलीटर में भी हम मेजर करते हैं। ये लिक्विड चीजों का मेजरमेंट हो गया। और जो सॉलिड चीजें होती है उनको आप जानते हैं, उनको ग्राम, अगर सॉलिड जो चीज है
जैसे हमने वेजिटेबल लीफ फ्रूट लिया सॉलिड है, अगर उनकी क्वांटिटी कम है तो उनको ग्राम में मेजर किया जाता है, और अगर ज्यादा है तो किलो में, और अगर बहुत कम है तो मिलीग्राम में भी हम उनको मेजर करते हैं। जैसे गोल्ड वगैरह है ना, वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में आते हैं, बहुत थोड़ा उनका वेट होता है, तो उनको मिलीग्राम में भी हम लोग मेजर करते हैं। इस तरह से मेजरमेंट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब आपको करना क्या है, आपको